नमस्कार, मैं हूं इमरान, आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं इस समय मौजूद हूं किसान कृषि प्रदर्शनी। भारत का सबसे बड़ा कृषि मेला माना जाता है और इसमें अधिकतर कृषि संबंधित जो कंपनियां रहती हैं वो सब पार्टिसिपेट करती हैं। किसानों के लिए नई नई तकनीक और नए नए उत्पादों को लेकर आती रहती है। इस समय मैं फ़िलहाल हूँ सीएट स्पेशलिटी टायर्स के स्टॉल पर। क्या है ये कंपनी, किस तरीके से काम करती है और क्या प्रोडक्ट है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सीएट टायर इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम। लेकिन अधिक जानकारी के लिए जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं हमारे साथ प्रिया रावत जी, ब्रांड मैनेजर डोमेस्टिक मार्केट सीएट स्पेशलिटी, और गौतम घोष सर, जीएम डोमेस्टिक सेल्स। बहुत बहुत स्वागत है रिया जी आपका फसल क्रांति में। सबसे पहले जानना चाहेंगे सीएट, जैसे कि नाम के साथ पता लगता है स्पेशलिटी, तो क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा इसके बारे में। आप जानते हैं बहुत जाना यू नो ब्रांड है, एंड सीएट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द आरपीजी ग्रुप। जब हम सीएट की बात करते हैं, हम टायर्स की बात करते हैं, तो यूजली द कंपनी इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, यू नो, वन इज़ योर पैसेंजर सेगमेंट एंड अदर इज़ योर सेगमेंट विच इज़ ऑफ बड़ा टायर्स, योर ट्रैक्टर टायर्स, योर यू नो इंडस्ट्रियल टायर्स, ऑफ हाईवे टायर्स। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ दैट वी ऑपरेट इन। सो नाउ we not only operate in domestic market but we also have you know different international markets we are penetrating in. We are in US, Europe, rest of the world, basically Brazil, everything. So we are still growing, and it's good to be here, participate in such a you know lovely mela. You are participating in this mela, how's the feedback of this mela? It's great actually, because this is the first time we're doing something so big in Maharashtra market. It is obviously a very big agriculture market, and we want to put all our focus. It's we also have our head of sales of the, so you know he will also be able to give you good. Gautam sir, आपके पास आऊँगा मैं। सबसे पहले करना चाहेंगे जो agriculture business vertical है, मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन। देखो, बात ऐसा है जी, हमारा जो सीएट है, पहले तो एक ही ग्रुप ऑफ कंपनी था, हाईवे एंड ऑफ हाईवे। लास्ट टू इयर्स बैक हमने उसको अलग किया था। फार्म जो बिजनेस है वो प्रोग्रेस कर रहा है, बा ऑफ हाईवे टाइप में बहुत ही प्रोग्रेस हो रहा है, इसलिए हमने सालक से एक वर्टिकल करके इसको सीएट स्पेशली बोल के अलग डिवीजन हमने खोल दिया है। बट यू नो अभी ये तो डोमेस्टिक के लिए हमने ये जो एक्टिविटी लगाया है, बट यू नो हमारा पास अभी बहुत एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट अमरनाथ प्लांट्स में हमने रेडियल टैस फार्म रेडियल को भी हमने लगाया है, जहाँ से हमारा टोटली एक्सपोर्ट का बिजनेस होगा चालू हो गया है। तो ओवरऑल 130 कंट्रीज जो है वो अपन हम लोग एक्सपोर्ट ही करता है फार्म रेडियल टैस। एंड अभी देखो ये जो तो आप देख रहे हैं मोस्टली इन एवरी प्लेसेस हम लोग जो हाईलाइट के दरसे बर्धन ब्रांड, ये कि जस्ट 2.5 ईयर्स पहले हम लोग ये ब्रांड को लॉन्च किया है। बिकॉज आज करेंट जनरेशन जितना फार्मर्स है वो लोग क्या होता है, बड़ा जो ट्रैक्टर से वो खरीद कर रहा है, तो उसके लिए उनको एक प्रीमियम टायर चाहिए। प्रीमियम टायर कैसा है, देखो पहले क्या होता है, जो फार्मर लोग होते थे जो मोस्टली जो ट्रैक्टर इस्तेमाल करते तो वो फार्मिंग के लिए उन्होंने इस्तेमाल होता था। बट अभी फार्मिंग के साथ हॉलेज जब मान लो फार्मिंग का प्रियॉड नहीं रहता है तो ट्रैक्टर वो भी कहीं तो खड़ा नहीं रहता है, तो क्या करता है, तब जमीन में कोई ब्रिक क्लींस बाकी जगह में वो लोड कैरी करके वो ट्रैक्टर जो ट्रेलर का पीछे लगा के वो चलता है उसका। ये आपको देखो फार्मर के पास एक टायर ऐसा होना चाहिए जो फार्मिंग में चल सकता है, और इनमें जो हॉलेज एप्लीकेशन व रोड में चलने के लिए उसको भी उस तरह का क्वालिटी रहना चाहिए। देखो फार्मर क्या होता है, दो टायर रख नहीं सकता, उसमें इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमने ऐसे एक मजबूती से एक टायर आपने जो देख रही हो डिस्प्ले किया बर्धन, इसमें देखिए आपने इसको 13.6, 14.9 एंड 16.9 इस हाथ में हमने इसको लॉन्च करा दिया है। ये बहुत बड़ा दमदार टायर्स है, ये टायर आप देखो बहुत ऊंचा है टायर का, इसका चौड़ाई भी अच्छा है, एंड इसको टेक्निकल जो डिज़ाइन है और उसका कंपाउंड फॉर्मेशन ऐसा है, इसको काट भी नहीं लगेगा, पर में बहुत ही मजबूत से चलेगा। सेकेंड थिंग देखो, यहाँ पर आपने यहाँ पर घूमेंगे तो काफ़ी सर एम्स भी काफ़ी स्टॉल लगाया है, ये ट्रैक्टर का जो ईएम्स है, क्लियर। तो आपको वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं जो बिजनेस हैंडल करता हूँ डोमेस्टिक हेड मीन्स ये रिप्लेसमेंट चैनल सेल्स एज वेल एज ओईएम सेल्स भी है, तो जितना सारा ओईएम्स है वहाँ पर भी हमारा टायर चल रहा है, एंड वो लोग भी हमारे शेयर वहाँ पर है ऑल टायर कंपनी, चाहे बोले जॉल डीआर आपका मान लीजिए जैसे महिंद्र एंड महिंद्रो, सोनालिका और सीएनएस, ऑल कंपनी में हम लोग स्कॉट्स एवरीवेयर हम लोग टायर सप्लाई कर रहे हैं, एंड कस्टमर बहुत खुश भी है। और सबसे बड़ी बात है देखो, टायर क्वालिटी ठीक है, तो हम टायर जो चीज़ है देखो, आज आप भी देखते हो, आदमी चाहता है कि एक इंश्योरेंस कवर, हर आदमी
जो हमारा एक सिक कवर जो हमारा टायर का देखे रखा मैन्युफैक्चरिंग का 7 साल वारंटी है। सेकंड थिंग और एक साल का वारंटी चरिंग वारंटी है और हम अनकंडीशनल वारंटी देती है। जैसे मतलब किशक भाई को जब टायर चला रहा है कुछ फट गया बा कुछ हो गया कंपनी इट इज अ डेमिंग कंपनी डेमिंग अवॉर्डेड कंपनी जैपनीज है ये तो क्या हो रहा है कस्टमर्स को कुछ हो हम लोग एकदम जो वारंटी 3 साल का अंदर अनकंडीशनली उसको टायर का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ओवरऑल आवर ऑब्जेक्टिव इज कस्टमर को खुश करना या कस्टमर को आई वर्क का ठीक से हो और ये टायर वो इस्तेमाल करेगा उसको बेनिफिट होगा उसको माने जो सर्विस ईयर्स वो भी उनको ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा एंड कस्टमर भाई किशक भाई वो थोड़ा खुश रहे। इसलिए पुणे का ये जो बिग गैदरिंग है फर्स्ट टाइम हम लोग इधर पार्टिसिपेट किया है तो ग्रेजुअली हम लोग ये प्रोग्राम का साथ साथ किशक भाई का साथ हम लोग और कनेक्टिंग बढ़ाते जाएंगे। तो दिस इज द ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कैन आस्क। यू स्पोक सो मेनी थिंग्स अबाउट द टायर्स एंड अबाउट सो आई कम टू द क्वालिटी कि जो किसान को आप उपलब्ध कराते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या रहती है क्योंकि किसान क्या देखता है सबसे पहले वो देखता है कि टिकाऊ कितना है प्रोडक्ट और जो क्वालिटी है क्या क्वालिटीज हैं उसकी। देखिए ये टायर में क्वालिटी किशन भाई जो देखता है ना पहले किशन भाई टायर देखता है ना पहले टायर ऊंचाई कितना है उसका गहराई कितना है जिसमें उसके एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा टायर कितना चलेगा। तो आज का दिन में हमने जो ब्रांड लॉन्च किया है इसका जो फिजिकल डायमेंशन सबसे ओवर डायमेंशन है इसका गहराई भी ज़्यादा है। सेकेंड थिंग आपको पहले भी बोला काट ना लगे उसके लिए उस तरह का हमने प्रोडक्ट को इस तरह का डिज़ाइन किया उसको काट ना लगे उसके अंदर पंचर पैड भी है पंचर भी ना ये टाइप लगाए उसको एक एश्योरिटी हम दे रहा हूँ हाँ तो ही विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ इशू ये चीज है और वारंटी तो है ही। सर जब हम बात करते हैं जैसे कि आपने क्वालिटी भी बताया तो कौन सा ऐसा टायर है जैसे मैं यहाँ भी देख पा रहा हूँ कि वर्धन सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है आपका किसान के अंदर तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि जो आपका ये वर्धन टायर है इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको आप थोड़ा विस्तारपूर्वक बताएँ कि क्या है सही कार्य का। जब फार्मर आता है ना आप देखोगे तीन चार आदमियों का आता है आके वो पहले जो चीज़ देखता है जो टायर है टायर का पर्सनैलिटी कैसे है वो तो टायर ऊँचाई कैसे है इसको जो टायर का जो चौड़ाई है जिसको फुटप्रिंट बोलता है कि नहीं ये ऑर्डर ज़्यादा होगा तो उसको लगता है ये इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। सेकेंड थिंग ये जो डेप्थ है ना ये टायर का जो डेप्थ है ये डेप्थ ऊँचा है कि नहीं। सेकेंड थिंग दिस सेंट्रल लाइन दिस विड्थ ये मोटा है कि नहीं थिकनेस ये ज़्यादा है कि नहीं ये सब चीज़ देखता है प्लस फार्मर देखता है ये चीज़ यहाँ पर आपका पंचर होने का संभावना होता है। देखो डिज़ाइन में वैसे स्लाइटली डिफरेंस है तो ये जगह में क्या होता है जो आपका पंचर पैड है तो आपका टायर उसको पंचर नहीं होगा क्लियर और ऊंचा गुड्डी में उसका सर्विस भी अच्छा मिलेगा। और इधर साइड वॉल का जो डिज़ाइन है विद स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन है यहाँ पर पत्थर तो लग के इसको कोई फटने का भी संभावना नहीं है। इसका ना देखिए यहाँ पर साइड वॉल इधर बट्टेस डिज़ाइन में है इसमें क्या होता है ये टायर को ठंडा रखेगा तो जब टायर ठंडा रखेगा तो क्या होगा ये टायर आपको फूलेगा नहीं तो किशक भाई जब आपको चलेगा तो उसको क्या अनइंटरप्टेड सर्विस उसको मिलेगा। तो ये एक इतना टेक्नोलॉजिकली इतना सुंदर है इसको हम डिज़ाइन किया है। तो ये क्या होता है एक तो बड़ा टायर है इसका गहराई भी ज़्यादा है उसको हमने वारंटी भी दिया तो मेरा ख्याल से ये किशक भाई के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीट पैकेज जो एकदम विदाउट एनी थिंकिंग वो लेके जा सकता है एंड उसके बाद उसको चलाए उसको वारंटी 7 साल है तो उसको कोई भी होगा तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार है। एक जो समस्या रहती है स्लीपेज की जब ट्रैक्टर में टायर चलता है तो लोडिंग की वजह से कई बार स्लिप कर जाता है कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में कितना कारगर है ये टायर। यस देखिए ये जो क्वेश्चन जो होता है जाने अभी लेटेस्ट ये जो चीज़ होता है स्लिपेज जो मैटर होता है देखिए स्लिपेज जो चीज़ होता है जहाँ पर आपका पैडी प्लांटेशन जहाँ पर होता है राइस जहाँ पर होता है जैसा वेस्ट बंगाल है उड़ीसा है वहाँ पर इस तरह का स्लिपिंग चांसेस है। इसके लिए हम लोग क्या करें लेटेस्ट अभी ये महीना में हमने एक नया टायर दैट इज कॉल्ड हाई लैक टायर जिसको एक तो स्ट्रेट डिज़ाइन है एक ऊंचा टायर है हमने मार्केट में लॉन्च करा है जो यही साइज में 14.9 आने वाला टाइम में 16.9 बा 13.6 आ जाएगा। तो हाई लग जो टायर हमने उसको भी लॉन्च करा दिया तो किशक भाई का वो जो स्लिपेज का जो जहाँ पर इशू है वो लोग हाई लग टायर लेगा उसको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बट ये टायर में भी ऊंचाई ज़्यादा है इसमें भी आपका स्लिपेज होगा नहीं है बट यस
राइस फील्ड होगा, तो उसके लिए हम लोग एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। कई बार ऐसा होता है कि जब टायर फट जाता है तो बहुत सारी कंपनीज, नॉट ओनली C8, बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती है कि कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे आप अनकंडीशनल वारंटी बता रहे हैं 3 साल की, तो उसमें रिप्लेसमेंट में किसी तरीके की कोई टर्म कंडीशन इस तरीके का कुछ है क्या? नो, देखो हमारा केस में ये क्या होता है, ये जो टायर है ये टायर में हमने ओनली लिखा जो 3 साल के अंदर और कुछ नहीं है। 3 साल के अंदर आपके इसमें अनकंडीशनल वारंटी, उसको कुछ देखने का जरूरी नहीं है। 3 साल के अंदर मान लो कोई टायर का फट गया या कुछ हुआ, वो चला नहीं पा रहा है, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके जाएगा, उसका टायर उसको बदल जाएगा, जितना घिसा है उसका घिसा कट जाएगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, बिकॉज द टर्म इज अनकंडीशनल। तो 3 साल तो कुछ भी होगा, कंपनी इसको पूरा सुरक्षित है। बट भाई साहब एक बात सुनो, आज का दिन में मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये सब जो वारंटी कस्टमर को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, इसका टायर फटता नहीं है, एप्लीकेशन में देखा फटता नहीं है, फिर भी कभी भी कुछ होता है हमारा कंपनी ऑलवेज कस्टमर का साथ है, बिकॉज ये डेमिंग कंपनी है, तो कस्टमर का कुछ भी करने के लिए हमारा कंपनी उसको खुश रखेगा, बट 3 साल का यहाँ पर वारंटी है। मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि बहुत सारे जो टायर्स किसान खरीदता है या तो डीलर के थ्रू खरीदता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के जो आउटलेट्स होते हैं वहाँ से लेता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचने के लिए कैसा आपका कोई आउटलेट, इस मतलब एक जो कहते हैं कि एक्सक्लूसिव स्टोर, इस तरीके का चैनलाइज सिस्टम है या डायरेक्ट डीलर्स के थ्रू मार्केट? देखिए बात ऐसे है कि हमारा जो चैनल है ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद सब जगह में जिसको बोलता है तहसील, सब डिविजन बोलता है, सब डिविजन में हमारा सब डीलर भी है, तो कोई किसान भाई का कुछ वहाँ से उनका टायर जुड़े तो वो सब डीलर तहसील से उसको टायर मिल जाएगा। उसके बाद मान लो कोई जगह से भी वो टायर परचेस करे और उसमें सर्विस से कुछ प्रॉब्लम हुआ, हमारा एक टोल फ्री नंबर है जिसको बोलते हैं कस्टमर केयर नंबर। इसके लिए क्या हुआ, कस्टमर केयर नंबर में उसको वो कंप्लेन लॉन्च कर देगा तो इमीडिएटली 48 आवर्स के अंदर हमारा वहाँ पर से कॉल उसको आ जाएगा और उसका सारा प्रॉब्लम सुना जाएगा, उसका इमीडिएटली उसको डिसीजन भी दिया जाएगा जो उसका टायर क्लेमेबल है नहीं है। मान लीजिए फिर भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, देन आवर सर्विस पर्सन जो है वो उनका साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा और उसका सारा प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेगा। तो क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया में हमारा ये है डिस्ट्रीब्यूशन है, सब डीलर्स है, तो कोई जगह में टायर जाके प्लेस करेगा तो उसका कार्रवाई उसको जरूर होगा। लास्ट में दर्शक देख रहे हैं C8 की तरफ से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो C8 आपने देखो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है, ये हमारा टायर काफ़ी सेफ है, जो आप सेफ्टी कैंपेन के बारे में आपने देखा है, तो हमारा टायर कोई जगह में इस्तेमाल करेगा वो तो सेफ है, और एट द सेम टाइम इसमें जो होता है, जो हमारा टायर का डिज़ाइन ऐसा है उसका ज़्यादातर ज़्यादा उसको माइलेज मिलेगा, जैसे आपने बोला वर्धन, तो कोई कोई जगह में इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसा भी करता है, ये चीज़ें बढ़दा टू द फार्मर्स, तो हम उसको ट्रांसलेट ऐसा करता है बर्धन जो चीज़ है, इसके मतलब ये टायर हमारा कृषक लाएगा करेगा तो उसको आय बरकत, उसको समृद्धि, जिसको बोलता है वेल्दीनेस जो होता है वो चीज़ होगा, टायर लगाएगा तो उसको समृद्धि बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ गौतम घोष जी C8 टायर से, और रिया रावत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से C8 काम कर रहा है और कौन कौन से टायर मार्केट में उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर कंपनी के टोल फ्री नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हैं, नज़दीकी डीलर से संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए फसल क्रांति, इसी तरीके की और भी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।